नमस्कार, आप एनबीसी 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। देखिए, आज का दिन 29 जुलाई है और विश्व भर में आज इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जा रहा है। पटना की सड़कों पर देखिए नज़ारा बेहद खास है, क्योंकि पटना विमेंस कॉलेज की लड़कियां जो है छात्राएं यहां पर उतर चुकी है और लोगों से जागरूक कर रही है, लोगों को कह रही है कि देखिए टाइगर को बचाना बेहद ज़रूरी है। इस तरीके से इन्होंने मास्क पहन रखी है, साथ ही लोगों से अपील कर रही है। आप देखेंगे ये पटना वुमेन्स कॉलेज के ठीक सामने का नज़ारा है और काफ़ी संख्या में छात्राएं भी हैं, मैम भी हैं। मैम, क्या संदेश दे रहे हैं? अब आज इंटरनेशनल टाइगर डे है, इसमें हम बच्चों को संदेश देते हैं कि अपने वातावरण को बचाएं, जंगल को बचाएं। बाघ को बचाने के लिए हम लोग को जंगल को बचाना ज़रूरी है। जंगल बचेंगे तो बाघ बचेंगे। अभी हमारे देश में लगभग 3000 संख्या है बाघों की, जो 2018 में इनकी गणना हुई थी। अब उनकी संख्या बढ़ाना, भारत अभी इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या भारत में है, अभी संख्या को भी और बढ़ाना है। तो ये बच्चे अवेयर होंगे तो अपने अगल बगल को बताएंगे कि जंगल बचेंगे तो बाघ बचेंगे। यानी कि जंगलों को भी बचाना है और जानवरों को भी बचाना हमारी प्राथमिकता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरकार जहां एक तरफ प्रयास कर रही है, वहीं पटना की सड़कों पर खास तौर से छात्राओं के द्वारा जो है अवेयरनेस मैसेज दिया जा रहा है। अभी हम पटना की सड़कों पर है और आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए, सुबह सुबह पटना की लड़कियां जो है वो सड़क पर उतर गई है। लड़कियां ही नहीं, यहां पर आपको छात्र भी नजर आएंगे, काफी संख्या में यहां पर जुटे हुए हैं और ये कतारें कहीं ना कहीं लंबी है और आगे भी बढ़ती जा रही है। सुबह से लगातार छात्राओं के द्वारा और खास तौर से यहां पर जो शिक्षिका हैं उनके द्वारा जो है मैसेज दिया जा रहा है, अवेयरनेस मैसेज दिया जा रहा है और आज इंटरनेशनल टाइगर्स डे जो है वो मनाया जा रहा है। क्या कुछ कह रही है छात्राएं, सुनिए पहले आप। क्या संदेश दे रहे हैं? आज 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर्स डे हमारा कॉलेज सेलिब्रेट कर रहा है, हमारा डिपार्टमेंट। हम इससे हम अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं कि हमारा जो नेशनल एनिमल टाइगर है वो कितना डेंजर है, कितने डेंजर में है और उसको बचाना हमारा सोल, हमारी सोल, हम सबकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की, जबकि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमने उसको नहीं बचाया तो जो हर भी वो हैं वो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड इन टर्न वो हमारी ग्रीनरी को ख़त्म कर सकते हैं। लोगों को क्या समझ में आनी चाहिए, लोगों को क्या अपील कर रहे हैं? हम लोगों को ये अपील कर रहे हैं कि हर इंसान अपने तरफ से छोटा सा छोटा कंट्रीब्यूशन करे, जिसकी वजह से जो हंटिंग हो रही है टाइगर की वो रिड्यूस हो और टाइगर को कंजर्व किया जाए और जहाँ जहाँ टाइगर को रिजर्व किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जू में, बायोलॉजिकल पार्क में, वहाँ भी उन लोगों को सेफ एनवायरमेंट में रखा जाए, उनका खाने पीने का ध्यान दिया जाए। टुडे इज इंटरनेशनल टाइगर डे। वन प्रोजेक्ट मिशन वॉज लॉन्च इन 1973, प्रोजेक्ट टाइगर। इसके थ्रू हम लोग टाइगर को बचा सकते हैं। डेट्स व्हाई यू नेवर लूज आवर किंग। टाइगर इज आवर किंग इन द इंडियन नेशनल एनिमल। उसके बाद हम लोग टाइगर को बचा सकते हैं। डेट्स व्हाई वी सेव आवर फूड चेन। टाइगर सेव वी सेव आवर एनवायरमेंट। टाइगर सेव वी सेव आवर हैबिटेट। मेनी थिंग्स वी कंजर्व इन थ्रू ऑफ द टाइगर। आज बच्चियां सड़क पर उतरी थी, क्या संदेश दे रहे हैं सर? एक्चुअली आज हम लोग इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाते हैं, जिसका मेन मकसद है कि बाघों की संख्या जो कम हो रही है जिस तेजी से, उससे हम लोग को जागरूक करना है अपने समाज को। और हमारा एक ये भी लक्ष्य रहता है कि हम लोग सिर्फ अपने कॉलेज के बच्चों को नहीं बल्कि स्कूल के बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे यहाँ सरकारी स्कूल के आदर्श माध्यमिक विद्यालय के भी बच्चे आए थे। तो हमारा ये रखता है लक्ष्य कि बच्चों को भी जागरूक किया जाए और साथ के साथ मतलब सारे बच्चों को भी हम लोग इसमें जागरूक करें। इको टास्क फोर्स, इसका क्या मतलब हुआ सर? इको टास्क फोर्स एक पटना वुमेन्स कॉलेज का एक वैसा स्टूडेंट का बॉडी है जो पर्यावरण को बचाने के लिए और पर्यावरण के लिए कुछ जो दायित्व है उनका उनको बताता है। जैसे कि हम लोग हमेशा प्रकृति की रक्षा के लिए हम लोग बहुत सारा कार्य करवाते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग का हम लोग प्रमोशन करवाते हैं कि कैसे लोग केमिकल खाद को छोड़ करके हम लोग वर्मी टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। सेफ टाइगर, ऐसा क्यों? अवेयरनेस फैला रहे हैं हम लोग, लोगों को जागरूक कर रहे हैं बचाने के लिए। जीव जंतुओं को बचाना बेहद जरूरी है।